नागपुर बंसर राष्ट्रीय महामार्ग पर कुमारी के निकट मरारवारी में हुई जबरदस्त सड़क दुर्घटना में पुलिस कर्मी सहित दो लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना बोलेरो द्वारा कार को टक्कर मारने से हुई। दुर्घटना में 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 2 पुलिस कर्मियों के साथ ही कार चालक, उसमें बैठी 2 महिलाएं और बोलेरो में बैठी 1 महिला भी शामिल है। दुर्घटना सुबह 9:15 के आसपास हुई है। महामार्ग पुलिस अधीक्षक संजय शिंत्रे ने बताया कि रामटेक सहायता पुलिस केंद्र के कर्मचारी कार्यवाही में हाजिर होने जा रहे थे। रास्ते में कुमारी के निकट चाय नाश्ता के लिए वे टपरी के पास खड़े हो गए। टपरी वाले से चाय नाश्ता देने के लिए कहा। पुलिस कर्मी रोड किनारे खड़े थे। ऐसे बीच एल्टो कार क्रमांक MH 31 EU 1172 जबलपुर से नागपुर की ओर जा रही थी। तभी देखते ही पीछे से आ रही बोलेरो जीप क्रमांक MP 23 9124 ने अनियंत्रित होकर कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार उछलकर पुलिस कर्मी से टकरा गई। दुर्घटना में मंगलदीप नगर बेसा रोड मानीवाड़ा निवासी पुलिस कर्मी रितेश देवराव भोपरे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं रितेश को रोड पर चाय नाश्ता देने गए चाय टपरी मालिक को जख्मी अवस्था में धनतोली स्थित न्यूरॉन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका नाम कुमारी निवासी रेवती राम पंचमपाल बताया गया है। मृतक पुलिस कर्मी के साथ और 2 पुलिस वाले भी थे जो जख्मी हो गए हैं। इनके नाम प्रकाश डोए और रविंद्र कामली बताए गए हैं। उसी तरह एल्टो कार चालक को भी चोटें आई है। चालक का नाम प्रकाश सिंह अल्लू सिंह गजेंद्र है। 2 अन्य भी मामूली जख्मी हुए हैं, जिनके नाम यवतमाल निवासी ज्योति नंदकिशोर जायसवाल व कार्टून निवासी छाया प्रकाश चंद्र गजेंद्र बताए गए हैं। दोनों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। बोलेरो के चालक का नाम सचिन आसाराम कावले है। वह खवासा जिला शिवनी मध्य प्रदेश निवासी है। बोलेरो में बैठी चिकली मध्य प्रदेश निवासी मीरा मस्ताराम लोखंडे को भी मामूली चोटें आई है। उसे मंसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। रामटेक पुलिस ने दोनों गाड़ी चालकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। उपविभागीय पुलिस अधिकारी नयन अलुरकर व पुलिस निरीक्षक दिलीप ठाकुर के मार्गदर्शन में PSI अतुल कावड़े जाँच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबराकड़े के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।